खबर प्रयागराज जनपद से। जनपद के थरवई थाना क्षेत्र के हेतापट्टी बाजार में रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने कई दुकानों में लूटपाट कर बाजार के चौकीदार की हत्या कर दी। कई अन्य लोगों को हमला कर घायल कर दिया गया। घटना से बाजार में सनसनी फैल गई। हेतापट्टी बाजार में बीती रात लगभग 1 बजे लूटपाट के इरादे से संतोष केसरवानी और राजेंद्र केसरवानी की दुकान में घुसे बदमाशों का विरोध करने पर बदमाशों ने 3 लोगों को बुरी तरह मारपीट कर अधमरा कर दिया। गालों की चीख पुकार सुनकर आस पास पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने बचाव करने पहुंचे पड़ोसियों पर भी हमला कर दिया, जिसमें बाजार के चौकीदार रामकृपाल पाल की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश बेखौफ होकर कई दुकानों में लूटपाट की घटना का अंजाम दिए हैं। लूटपाट की सूचना पर पहुंची थरवई पुलिस ने केसरवानी परिवार के 3 घायलों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना से थरवई बाजार में सनसनी फैल गई है। प्रयागराज में थाना थरवई अंतर्गत ग्राम हेतापट्टी में श्री संतोष केसरवानी जी और उनके भतीजे राजेंद्र केसरवानी के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हेतापट्टी में रात में 4 व्यक्तियों के द्वारा आकर लूटपाट की घटना उनके वहाँ की गई है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संतोष केसरवानी जी, इनका वस्त्रालय और आभूषण की दुकान है, इसमें 4 व्यक्ति अंदर घुसे थे जिनके द्वारा वहाँ पे लूटपाट की घटना की गई और इनको डंडा मार के घायल किया गया है। इसमें इनके परिवार के जो 3 लोग हैं उनका इलाज SRN मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार एक पास में ही रामकृपाल पाल जी हैं जो वहाँ के मार्केट की सुरक्षा को भी देखते हैं और वहाँ पे रात्रि में सुरक्षा का कार्य करते हैं। इनको वहाँ पर ये ठहरे हुए हैं तो इनको वहाँ पे डंडा मारा गया है और उस डंडा मारने में इनके सर पे डंडा मारने के द्वारा इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इनकी पत्नी जो हैं उनका उपचार SRN मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। एक रामबाबू सोनी जी हैं, उनके दुकान का शटर टूटने की घटना वहाँ पे हुई है। ये अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार जानकारी है, इसमें और जानकारी प्राप्त की जा रही है। लिखित संतोष जी के द्वारा अपनी सूचना उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें मुकदमा कायमी के करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और पुलिस की 5 टीमें इसके घटना के अनावरण के लिए लगाई गई हैं। पुलिस के सभी अधिकारीगण यहाँ पे गांव में आकर सभी से वार्ता कर रहे हैं और घटना के अनावरण के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस घटना का शीघ्र अनावरण करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी।